तो आप सभी का दीक्षांत आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा एनसीईआरटी के इस स्पेशल सेशन में सभी का स्वागत करता हूं। कल जो हम लोगों की कक्षा हुई थी थोड़ा सा उसको हम ब्रीफ कर देते हैं ताकि हम लोग टॉपिक से जुड़ जाएं, और आज का जो कक्षा है सातवीं क्लास की एनसीईआरटी का उस पर हम लोग चले चलेंगे। तो कल हम लोगों ने प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के बारे में अध्ययन किया था। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के बारे में जो आपने अध्ययन किया था उसमें हमने आपको बताया था कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, वनस्पतियों का जो कैटेगराइजेशन होता है उसके बारे में आपको बताया था। तीसरा पॉइंट आपको बताया था कि वनस्पति के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं, फैक्टर कौन होते हैं, उसके बारे में बताया था। फिर हम लोगों ने सभी वनस्पतियों के बारे में अध्ययन किया था जिसमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट था, मानसून फॉरेस्ट था, फिर शीतोष्ण सदाबहार और शीतोष्ण पर्णपाती वन था, भूमध्य सागरीय वन, टाइगा और टुंड्रा वेजिटेशन के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने घास मैदान के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा कि दो प्रकार के ग्रासलैंड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा किया था, जिसमें एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की क्या विशेषता है, कहाँ पर पाए जाते हैं, किस नाम से उसको जानते हैं, इसके बारे में, और दूसरा जो टेम्परेट ग्रासलैंड है जिसको हम लोग शीतोष्ण घास मैदान कहते हैं उसके बारे में आपको बताया था। तो शीतोष्ण घास मैदान के बारे में आपको डिटेल से बताया था कि कहाँ पाए जाते हैं, क्या उस ग्रासलैंड की विशेषता होती है, और जहां पर वो ग्रासलैंड है वहां पर किस प्रकार की कृषि भी होती है। तो ये कल के क्लास में, और लास्ट में हम लोगों ने जो थॉर्नी वेजिटेशन होता है, कांटेदार और झाड़ीदार वनस्पति होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज के क्लास में हम लोग सातवीं कक्षा के एनसीईआरटी का जो सातवां टॉपिक है, मानव पर्यावरण बस्तियां परिवहन एवं संचार के साधन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप जानते हैं कि इस प्रकार के टॉपिक का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो ये सेवेंथ क्लास के एनसीईआरटी का है, कुछ उसी स्टैंडर्ड का होगा, लेकिन हम लोग चीजों को समझने के लिए और बेहतर तरीके से उसको समझते जाएंगे। साथ ही आपकी जो क्वेरी होगी, आपको कब प्रश्न पूछना है, ये प्रत्येक दिन मुझे लगता है कि बताने की कोई जरूरत नहीं रह गई है। जब हम आपसे कहें कि अब हम आपके चैट को देख रहे हैं, आप प्रश्न पूछिए, तो आप उस समय पूछिएगा। साथ ही कल बहुत सारे लोगों की जो क्वेरी थी जनरल स्टडीज से संबंधित, जीएस को लेकर, ऑप्शनल पेपर को लेकर, तो आज फिर लास्ट में 10 मिनट हम लोग उस सेशन पर चर्चा करेंगे। यदि किसी को ऑप्शनल पेपर, खासकर ज्योग्राफी के बारे में, जैसे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि किस तरीके से उसका प्रिपरेशन करें क्या, तो हम उसके बारे में आपको बताएंगे, आप ध्यान से उसको सुनिएगा, समझिएगा। तो चलते हैं, आज की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए आज की कक्षा में हम लोग आगे बढ़ते हैं, सातवां टॉपिक है। तो सबसे पहले आज जो हम लोगों का टॉपिक है, मानव पर्यावरण बस्तियां सेटलमेंट परिवहन ट्रांसपोर्ट और संचार यानी कम्युनिकेशन के साधन, ये आज का टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हम लोग आज जानेंगे क्या क्या तीन प्रमुख एरिया है। इसमें एक है सेटलमेंट यानी बस्तियां और उसके प्रकार। तो सेटलमेंट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और किस ज्योग्राफिकल कंडीशन में किस प्रकार के सेटलमेंट का विकास होता है, इस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। साथ ही इसी में हम लोग देखेंगे कि ऋतु प्रवासी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांस ह्यूमन कहते हैं इनको। तो ट्रांस ह्यूमन क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर परिवहन के साधन यानी कि जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज हैं, वे ऑफ कम्युनिकेशंस है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, जानते हैं कि बस्तियां क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानते हैं, और फिर धीरे धीरे आपके प्रश्नों का उत्तर आगे देंगे। बस्ती क्या, व्हाट इज सेटलमेंट, इसके बारे में हमें जानना है। तो आप इमेजिन कीजिए इस चीज को समझने के लिए कि आप या तो विलेज में रहते होंगे या शहर में रहते होंगे, मेनली दो तरीके के। तो विलेज में जहां पर आप रहते होंगे उस विलेज की पहचान किन चीजों से होती है, और अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर की पहचान किन चीजों से होती है, ये आपको ध्यान में रखना। तो नॉर्मली बस्ती या
जो विलेज होता है, जो सेटलमेंट होता है, वो क्या है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो सामान्य सा है कि वह स्थान जहां मनुष्य अपने लिए घर बनाता है वो बेसिकली क्या है, बस्ती है। यानी कि जहां हम आप रहने के लिए आवास का निर्माण करते हैं, हैबिटेट बनाते हैं, वो क्या है, बस्ती है। बस्ती बेसिकली ना केवल लोगों का समूह है, बल्कि ये एक प्रकार के आर्थिक फंक्शन को भी व्यक्त करता है। आर्थिक फंक्शन को कैसे व्यक्त करता है, ये आगे आ जाएगा। प्रारंभिक बस्ती का विकास कहाँ हुआ था, तो नदी घाटी के क्षेत्र में हुआ था। क्यों हुआ था नदी घाटी के क्षेत्र में, जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में भी आप पढ़ते हैं कि जो अर्लियर सिटीज का विकास हुआ या रूरल सेटलमेंट का विकास हुआ, वो कहाँ पर हुआ था, रिवर बेसिन के क्षेत्रों में हुआ था, नदी घाटी के क्षेत्रों में हुआ था। नदी घाटी के क्षेत्र में ही आरंभिक बस्तियों का विकास क्यों होता है, या क्यों हुआ था, क्योंकि वहां पर पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था, उपजाऊ भूमि उपलब्ध थी, तथा व्यापार वाणिज्य के और विनिर्माण के विकास के लिए क्या था, वहां पर साधन उपलब्ध थे। जैसे आप देखेंगे कि भारत में ही आरंभिक सभ्यता का विकास कहाँ हुआ, सिंधु घाटी और सिंधु और उसकी सहायक नदी के किनारे हुआ। तो सिंधु और उसकी सहायक नदी के किनारे जो सभ्यता का विकास हुआ, क्यों हुआ, उसके कई सारे कारण, लेकिन नदी घाटी से क्या होती है कि हमें भवन निर्माण के लिए कच्चे सामग्री की प्राप्ति होती है, पहला। दूसरा क्या है कि नदी के किनारे आप हैं तो जल संसाधन जो कार्यों, जिन कार्यों के लिए आपको जरूरी है, वो आपको प्राप्त होता है। तीसरा आपको वहां से क्या मिलता है, तो व्यापार वाणिज्य में भी आपको क्या होती है, सुविधाएं मिलती है, आप आंतरिक व्यापार कर सकते हैं, बाहरी व्यापार कर सकते हैं। इसलिए विश्व में जितनी भी अर्लियर सभ्यताएं थी जो आप इतिहास में पढ़े होंगे, वो सभी नदी घाटियों के क्षेत्र में ही विकसित हुए थे। नदी घाटी के क्षेत्र में विकसित क्यों हुए, ये आपको बताया। आज भी आप देख लो कि भारत की जो कुल आबादी है, उस कुल आबादी में आप देखो जो गंगा बेसिन का क्षेत्र है, यहाँ पर काफी डेंसली सेटलमेंट बसा हुआ। क्यों बसा हुआ है, इसका बहुत सारा कारण है, क्योंकि प्लेन एरिया है, उपजाऊ मैदान है, उसके कारण परिवहन का साधन विकसित हुआ है, कृषि प्रणाली अच्छी होती है। तो इन सब कारणों से क्या है कि इस क्षेत्र में जनसंख्या काफी सघन बसा हुआ है। तो अब जैसे मैंने पहले ही कहा कि जो नदी घाटियों के सभ्यता बनपने लगे थे, उसमें कौन था कि सिंधु और उसके सहायक नदी घाटी के क्षेत्र में हमारे यहाँ सिंधु सभ्यता। मिस्र में आप पढ़ते होंगे कि नील नदी के किनारे नील की सभ्यता का विकास हुआ था। दजला और फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, आप इतिहास में पढ़ते होंगे, सिंधु की समकालीन और कुछ अर्लियर भी है। ये दोनों के बीच व्यापार वाणिज्य होते थे, जिसका हमें पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है। और चीन में हुआंगो नदी या हुआंगो को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो इसे पीली नदी के नाम से जाना जाता है। तो चीन में हुआंगो नदी या पीली नदी की सभ्यता का जो विकास हुआ था, वो सब नदी घाटी के क्षेत्र में ही हुए थे। तो नदी घाटी के क्षेत्र में जो सभ्यता का विकास हुआ या जो बस्तियां प्रारंभ में बसती गई, उसका रीजन क्या था, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर भवन निर्माण के लिए हमें कच्चे सामग्री मिलता है, जल संसाधन की प्राप्ति होती है, कृषि के लिए उपजाऊ मृदा की प्राप्ति होती है, और फिर नदी जल के माध्यम से परिवहन की सुविधाएं भी हमें मिलती है। तो ये जो है सो मूल रीजन है। तो बस्ती क्या है और जो अर्लियर बस्तियां हैं वो कहां पर विकसित हुई, ये हम लोगों ने इस सेक्शन में जाना है। नेक्स्ट हो जाएगा बस्ती के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि किसी भी क्षेत्र में जो सेटलमेंट का विकास होता है वो किन किन कारकों से प्रभावित होता है, वो पॉइंट। हालांकि ये पॉइंट एनसीईआरटी में उतने डिटेल से नहीं थे, लेकिन आप इसको जानिए समझिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बने। तो कहीं पर जो बस्ती का विकास होता है, उसमें सबसे पहला होता है भू जलवायविक दशाएं। भू जलवायविक दशा कहने का अर्थ है कि इसमें क्या होना चाहिए, भूमि की उपलब्धता। ना केवल भूमि की उपलब्धता होनी चाहिए सेटलमेंट के निर्माण के लिए, बल्कि उपजाऊ मृदा भी उपलब्ध होना चाहिए। उपजाऊ मृदा,
उपजाऊ मृदा के साथ साथ क्या होना चाहिए, अनुकूल तापीय दशा होनी चाहिए, वर्षा अनुकूल होना चाहिए, और जो वायुमंडलीय नमी या आपाद्रता कहते हैं, ये पांच पॉइंट पहले पॉइंट में शामिल है कि भू जलवायविक दशाएं कैसी होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीम जो क्लाइमेटिकल कंडीशन होता है उसपे मानव सेटलमेंट बड़े तौर पर बस नहीं सकते। तो आप ये याद रखेंगे कि सेटलमेंट के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता होनी चाहिए, अब वहां पर लोग रहेंगे इसके लिए उपजाऊ मृदा होनी चाहिए ताकि लोगों का भरण पोषण हो, तो ये होना चाहिए। तापमान एक अनुकूल होना चाहिए, ना तो बहुत कम तापमान, आप लेह लद्दाख में जाकर बड़े तौर पर सर्वाइव नहीं कर सकते, और ठीक उसी तरीके से बहुत हाई टेम्परेचर में भी जीवन क्या होता है, कष्टदायक होता है। यदि मॉडरेट टेम्परेचर है, अनुकूल क्लाइमेटिकल कंडीशन है, तो वहां पर सेटलमेंट का बसाना और लोगों का रहना क्या होता है, आसान हो जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। फिर है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक का अर्थ है कि राजनीतिक तौर पर कहीं पर यदि अनरेस्ट की स्थिति है, जैसे कि कहीं पर नरसंहार की स्थिति हो जाती है, तो यदि कहीं पर जातीय नरसंहार है, दंगे की स्थिति हो जाती है, एथनिक टकराव होता है, कोई संघर्ष है पॉलिटिकल तौर पर, तो ऐसे क्षेत्रों में जनरली लोग बसना नहीं चाहते हैं, तो वहां पर सेटलमेंट का विकास बहुत देर से होता है। लेकिन यदि कोई क्षेत्र राजनीतिक तौर पर शांत है, तो वहां पर सेटलमेंट और लोगों का बसना क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। इकोनॉमिकल कारक, यानी कि अब मान लो इकोनॉमिकल कारक का अर्थ है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होनी चाहिए, प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज की उपलब्धता होनी चाहिए, यानी कि जो आप मेटल माइंस कहते हैं, खनिज संसाधन, क्योंकि वो भी मानवीय विकास को प्रभावित करता है, तो खनिज संसाधन की उपलब्धता होनी चाहिए, अन्य प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता होनी चाहिए। तो आर्थिक कारक भी है जो सेटलमेंट के विकास को प्रभावित करता है। सामाजिक कारक, सामाजिक कारक में जैसे कि जातीय लगाव होता है, एक जाति के लोगों का नेचर होता है कि वो एक जगह पर रहना पसंद करते हैं, तो जो सामाजिक कारकों में जैसे सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण जहां पर हो वहां पर लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं, लेकिन अगर कहीं पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, लोगों में एकता की भावना कम है, कॉम्युनल हारमोनी नहीं है, नरसंहार हो रहा है, एथनिक टकराव हो रहा है, ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है कि सेटलमेंट जल्दी बसते नहीं, और बसते हैं तो बहुत विलंब से बसते हैं, क्योंकि सभी की इच्छा होती है वो एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करें। धार्मिक और सांस्कृतिक कारक, जो रिलीजियस एंड जो कल्चरल काउज होता है, ये भी सेटलमेंट को प्रभावित करता है। नॉर्मली क्या होता है कि समान धर्म के मानने वाले लोग एक जगह रहना चाहते हैं, यदि उनकी धार्मिक विचार संस्थाएं भाषा सब कुछ मिलती है तो बसाव में क्या होता है, आसानी होती है। और पर्यावरणीय कारक, एनवायरमेंटल कॉज का अर्थ है कि अगर कोई ऐसा एरिया है जहां पर नेचुरल क्लाइमेटीज बार बार आती है, तो जहां पर नेचुरल क्लाइमेटी चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे वो सुनामी के रूप में हो, लैंडस्लाइड के रूप में हो, एवलांस के रूप में हो, तो ऐसे क्षेत्रों में लोग जनरली सेटलमेंट कम बसाते हैं। पर्वतीय क्षेत्र हो तो वहां पर टेरेन ऐसा होता नहीं है कि वहां सेटलमेंट बसाना हो। तो ये सारे जो फैक्टर हैं कहीं पर सेटलमेंट के विकास को प्रभावित करते हैं, मानवीय बस्तियों के विकास को प्रभावित करते हैं। अनुकूल कंडीशन में बस्तियों का विकास होगा, नहीं तो। अब है बस्ती के प्रकार, तो एक है बस्ती मूलतः क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी बस्ती जिसको आप फिक्स सेटलमेंट कहते हो, और दूसरा होता है अस्थायी बस्ती जिसको आप कह सकते हो कि जो टेम्परेरी सेटलमेंट होता है वो होता है। तो अस्थायी बस्ती क्या है कि वह बस्ती जहां मानव के अस्थायी आवास होते हैं उसे अस्थायी बस्ती कहते हैं। नॉर्मली आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में क्या होता है, आप देखते हो ना कि दो तरीके का एड्रेस आपसे मांगा जाता है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि एक आपसे एड्रेस मांगा जाता है कि आपका परमानेंट एड्रेस कहां पर है, क्रॉस्पॉन्डेंस एड्रेस माना जाता है। तो आपका जो क्रॉस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है वो एक तरीके से क्या होता है, आपके अस्थायी रहने का क्षेत्र होता है, वो हमेशा के लिए नहीं होता है। लेकिन जो आपका फिक्स एड्रेस होता है वो क्या होता है, आपसे हमेशा वही रहता है, जहां पर आपने जन्म लिया है, जहां पर आपके घर है, माता पिता रहते हैं, तो वो सेटलमेंट एरिया है। तो अस्थायी बस्ती को इसी तरीके से समझना है कि वहां पर
जो अस्थाई बस्ती वो है जहां पर आपका आवास है, जहां पर आप हमेशा रहते हैं, जहां पर आपके माता पिता रहते हैं, पूरे परिवार के लोग रहते हैं, ग्रामीण समाज मिलकर रहते हैं, वो आपका अस्थाई बस्ती है। और यदि आप पढ़ने के लिए कहीं बाहर आए हैं, कहीं नौकरी करने के लिए बाहर आए हैं, तो वो आपके लिए तरीके से क्या है कि अस्थाई नहीं है। तो अस्थाई को आपको दोनों एड्रेस से ध्यान में रखना है। वे बस्तियां जो कुछ समय के लिए घर बनाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अस्थाई बस्ती कहते हैं। इस प्रकार की बस्तियां कहां पर बसती है, तो घने जंगलों में, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान में पर्वतों के निवासी बनाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं, आखेट संग्रह और स्थानांतरित कृषि करते हैं। नॉर्मली इस प्रकार के अस्थाई बस्ती में रहने वाले लोग जो होते हैं, ये एक तरीके से ऋतु प्रवासी भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं इनको, ऋतु प्रवासी टाइप के होते हैं। इनको इंग्लिश में हम लोग ट्रांस ह्यूमन कहते हैं। ट्रांस ह्यूमन या ऋतु प्रवासी ऐसे लोगों को कहा जाता है जो सीजन के अनुसार अपने आवास को चेंज करते हैं, सीजन के अनुसार। जैसे कि भारत में आप देखोगे कि कुछ जो ट्रांस ह्यूमन है, कौन कौन से है, तो हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में एक जनजाति पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं वकरवाल कहते हैं, नाम सुना होगा। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में एक जनजाति पाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गद्दी ट्राइब कहते हैं। और उत्तराखंड में कुछ ट्राइब पाए जाते हैं जिसमें एक है भोटिया और दूसरा जो है ये कौन से है, तो भोटिया और गुर्जर। ये जो उत्तराखंड के ट्राइब हैं और जम्मू कश्मीर के और हिमाचल के, ये ऋतु प्रवासी कहलाते हैं, ट्रांस ह्यूमन कहलाते हैं। ट्रांस ह्यूमन का क्या आपको अर्थ बताया कि ट्रांस ह्यूमन का अर्थ होता है ऐसे लोग जो समय के अनुसार या ऋतु के अनुसार अपने आवास को चेंज करते हैं। तो पश्चिमी हिमालय में ये जितने भी जनजातियां हैं ये मध्य हिमालय की श्रृंखलाओं में रहते हैं, मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय की श्रृंखलाओं में भी कहां पर ये रहते हैं, तो मध्य हिमालय की श्रृंखला में जो इसका उत्तरी ढाल होगा, नॉर्दर्न स्लोप होगा, उस पर ये लोग रहते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में अपने आवास को चेंज करते रहते हैं। अभी जैसे ग्रीष्म ऋतु है, तो ग्रीष्म ऋतु में ये जो ट्राइब्स है ये क्या करते हैं, अपने पशु तंबुओं के साथ चारागाह की खोज में पर्वत के ऊपरी भागों में आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि अभी पर्वत के ऊपरी भागों में आइस मेल्ट हो जाता है, तो इनके लिए चारागाह, पशुओं के लिए चारा बाहर निकल आता है। तो अभी जितने भी ये ट्राइब होंगे सब ऊपर आ जाते हैं, लेकिन दिसंबर जनवरी के महीने में जब स्नोफॉल होता है ऊंचाई पर, जब इनके घास के मैदान ढक जाते हैं, तो फिर ये सभी ट्राइब क्या होता है, पर्वत के निचले भागों में आ जाते हैं। तो ऐसे लोग जो ऋतु के अनुसार अपना आवास चेंज करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ऋतु प्रवासी, एक प्रकार के अस्थाई आवास। और मेनली ये लोग पशुपालन के क्रम में, चारागाह की खोज में अपने आवास को चेंज करते रहते हैं। ये एग्जाम में आ भी सकता है मैच करने के लिए कि कौन भारत में ऋतु प्रवासी टाइप है, एक इस तरीके से प्रश्न आ सकता है। और दूसरा ये मैच करने के लिए भी आ सकता है कि बकरवाल कहाँ की जनजाति है, गद्दी कहाँ की जनजाति है, भोटिया और जो गुर्जर है ये कहाँ की ट्राइब है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सेटलमेंट का जो प्रकार होता है वो आपने जान लिया, उसके कुछ उदाहरणों को जान लिया। अब है कि ग्रामीण बस्ती और शहरी बस्ती। तो ग्रामीण बस्ती हम लोग किसे कहेंगे और शहरी बस्ती हम लोग किसे कहेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ग्रामीण बस्ती क्या होती है, ग्रामीण बस्ती वह बस्ती होती है जहां के लोग कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, दस्तकारी और पशुपालन का कार्य करते हैं। अर्थात ये है कि ग्रामीण बस्ती में जो रहने वाले लोग होते हैं उनका जो संबंध होता है वो किन क्षेत्र से होता है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप से होता है। जब आप अर्थव्यवस्था के सेक्टर को पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते होंगे प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है, टर्शियरी सेक्टर, और अब तो अर्थव्यवस्था में चौथे और पांचवें सेक्टर की भी चर्चा होती है। तो ग्रामीण बस्ती की पहचान इसी से होती है कि ग्रामीण बस्ती वह होती है जहां के लोग
प्राथमिक क्रियाकलापों में लगे होते हैं। और प्राथमिक क्रियाकलापों में कौन कौन सा आता है, तो कृषि है, वानिकी जिसको आप फॉरेस्ट्री कहते हो, मत्स्य पालन है, दस्तकारी है, पशुपालन का कार्य करते हैं। तो ग्रामीण बस्ती ना केवल लोगों के आवास से परिभाषित होता है, बल्कि उनके द्वारा जो किए जाने वाले कार्य होते हैं उनसे भी परिभाषित होता है। ये कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन इन सब से होते हैं। तो यहां से ये भी प्रश्न आ जाता है कई बार कि इनमें से कौन अर्थव्यवस्था के प्राइमरी सेक्टर का एरिया है। तो उस दृष्टिकोण से भी आपको इसमें ध्यान में रखना है कि जो कृषि है यानी एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग यानी मत्स्य पालन है, दस्तकारी है, पशुपालन है, ये सभी क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और ग्रामीण बस्तियों, रूरल सेटलमेंट की पहचान जो होती है वो इन्हीं चीजों से होती है। अब ये जो ग्रामीण बस्तियां होती है ये मेनली दिया हुआ है यहाँ पर दो प्रकार की होती है, लेकिन आपको बता देते हैं अभी कि जब आप अगले क्लास के एनसीईआरटी सब में जाएंगे तो हमें ग्रामीण बस्तियों के चार प्रकार मिलेंगे। ये सातवें स्टैंडर्ड का है तो यहाँ पर यही दिया हुआ है कि दो प्रकार की बस्तियां होती है ग्रामीण बस्तियां, लेकिन जब आप अगले क्लास में जाएंगे, हायर क्लास के एनसीईआरटी में जाएंगे, तो हमें चार प्रकार के रूरल सेटलमेंट की जानकारी मिलती है, ये अभी बता देते हैं। तो अभी जो दो है इसमें एक है सघन बस्ती जिसको क्लस्टर्ड सेटलमेंट कहते हैं, और दूसरा है प्रकीर्ण बस्ती। ये दो प्रकार का होता है। शहरी बस्ती किसको कहेंगे, तो नगरीय बस्तियां वे बस्तियां होती है जहां पर रहने वाले लोग द्वितीयक और तृतीयक कार्यों में लगे होते हैं। नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती है। नॉर्मली जब आप शहर में आते हैं तो शहर में जो रहने वाले लोग होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, दो सेक्टर से जुड़े होते हैं। एक द्वितीयक क्षेत्र, अर्थव्यवस्था में जो द्वितीयक क्षेत्र होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो होता है। और जो तृतीयक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का होता है वो क्या होता है, सेवा क्षेत्र होता है, सर्विस सेक्टर होता है। तो विनिर्माण क्षेत्र और जो तृतीयक क्षेत्र है जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर कहते हैं, सेवा सेक्टर कहते हैं, उनसे पहचान होती है शहरी बस्तियों की। तो जब आपको शहरी और ग्रामीण बस्ती में डिफरेंसेस करने के लिए कहेंगे, तो हालांकि इनके डिफरेंसेस के कई आधार हैं, लेकिन यहां पर जो आपको चीजें दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि शहरी बस्ती की पहचान किससे होती है, तो कृषि से, वानिकी से, मत्स्य पालन, दस्तकारी और पशुपालन से। जबकि शहरी बस्ती की पहचान किससे हो रही है, अर्थव्यवस्था के सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर से, जिसमें सेकेंडरी सेक्टर में विनिर्माण कार्य और टर्शियरी सेक्टर में क्या आता है, सर्विस से। जैसे हम जो अभी आपको बता रहे हैं ये टीचिंग क्या है, ये एजुकेशन क्या है, सर्विस सेक्टर का, इसके माध्यम से हम आपको सेवा प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो सघन बस्ती होती है और जो प्रकीर्ण बस्ती होती है इनकी क्या विशेषताएं होती है, तो प्रकीर्ण बस्ती यानी कि जो बिखरे हुए बस्ती होते हैं में लोगों के घर दूर दूर और व्यापक क्षेत्रों में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां कहां पाई जाती है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में, घने जंगल वाले क्षेत्र में, अति विषम जलवायु वाले क्षेत्र में। यानी कि जो बिखरी जो प्रकीर्ण बस्तियां जो होती है वो कैसी बस्तियां होती है, एक प्रकार की बिखरी हुई बस्तियां होती है। नॉर्मली हमारा आपका जो गांव होता है वो क्या होता है, क्लस्टर्ड सेटलमेंट, बिल्कुल नाभिकीय बस्ती के रूप में होता है, घर एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, सटे हुए होते हैं। लेकिन यहां पर जो प्रकीर्ण बस्तियां हैं वहां पर घर लोगों के क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, ट्राइबल लोग इस तरह के बस्तियों में रहते हैं बेसिकली। तो जैसे पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है ना कि जो हिली टेरेन होता है वहां पर वैसे भी सेटलमेंट का बसाव जो है वो काफी टफ होता है, तो वहां पर मिलेंगे। घने जंगल में जैसे मैंने कहा कि आदिवासी लोग इस तरीके के बस्तियों में रहते हैं। और जो अति विषम जलवायु यानी कि एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट का जो क्षेत्र है वहां पर इस तरह की बस्तियां हमें मिलती है। यहां से प्रश्न ये हो सकता है, क्वेश्चन पीटी टाइप का, कि प्रकीर्ण बस्तियां किस प्रकार के क्षेत्रों में मिल सकती है, या किस प्रकार के क्षेत्रों में हमें प्रकीर्ण बस्तियां मिलती है। ऑप्शन ए पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा घने जंगल, अति विषम जलवायु, केवल एक, केवल दो,
इस तरीके का स्टेटमेंट करके आपसे आएगा, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ये है, इसके अलावा जो कुछ और फैक्चुअल चीजें हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरिया में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घरों का निर्माण करते हैं। जैसे अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छतों का निर्माण किया जाता है। जैसे आप इसका बेहतर उदाहरण उत्तर भारत में देखोगे कि आप भारत में पूर्वोत्तर राज्यों से शुरू करें, असम से शुरू करें और पंजाब की ओर जाते जाएं, तो जैसे जैसे आप असम से पंजाब की ओर जाते जाएंगे, घर की जो छतें होती है वो क्या होती है, फ्लैट होती जाती है। असम सब में वर्षा की मात्रा काफी अधिक है, तो वहां पर जो घर बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, उनकी छतें काफी ढलवादार होती है, क्योंकि हाई रेनफॉल का एरिया है, तो अत्यधिक वर्षा होने के कारण छतें इस तरीके से बनाई जाती है ताकि वर्षा का जल जो है वो क्या है, शीघ्र बाहर निकल जाए। लेकिन जैसे जैसे आप मैदान में पूर्व से पश्चिम की ओर आते हैं ना, वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, तो आपको जैसे जैसे आप आएंगे असम से बंगाल में, बिहार है, यूपी, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब, वैसे वैसे छत आपको क्या मिलेगा, फ्लैट सरफेस टाइप का मिलना शुरू है, क्योंकि वर्षा की मात्रा कम है तो प्लेन छत यहाँ पर लोग बनाते हैं। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में जब आप चले जाएंगे, जहां पर वर्षा काफी अधिक होती है, वहां पर ढलवादार छत बनाए जाते हैं ताकि वर्षा का जल जो है जल्दी से बाहर निकल जाए जल्दी से। तो पहला ये है। दूसरा है कि वर्षा के समय जल जमाव वाले क्षेत्रों में ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर का निर्माण किया जाता है। ये भी आप देखेंगे पूर्वोत्तर भारत में इस तरीके के सेटलमेंट पाए जाते हैं कि जहां वर्षा होती है अधिक और वर्षा के बाद वहां पर वाटर लॉक्ड हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि वाटर लॉक्ड होने का अर्थ है कि 3-4 महीने जल जमाव रहेगा वहां पे, कम से कम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक रहेगा। तो ऐसे क्षेत्रों में जो सेटलमेंट का निर्माण होता है वो थोड़े से ऊंचे प्लेटफॉर्म पर किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सिल्ट या ऊंचे प्लेटफॉर्म पर, स्टिल्ट या ऊंचे प्लेटफॉर्म पर इसका निर्माण किया जाता है। गर्म जलवायु वाले क्षेत्र, जो वार्म क्लाइमेटिकल कंडीशन वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पर मोटी दीवार वाले घरों का निर्माण किया जाता है, जिनकी छत किसकी बनी होती है, फूस की। फूस का अर्थ है जो घास होता है, जो खरपतवार होता है, इस तरीके के चीजों का प्रयोग किया जाता है। मोटी दीवारें क्यों बनाई जाती है, क्योंकि ये क्या करता है कि अंदर के कमरे को एक तरीके से ठंड रखता है, तो इसलिए मोटी दीवार बनाए जाते हैं जो गर्म जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं। इसका और एक आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि जैसे जो एस्किमो ट्राइब्स जो ग्रीनलैंड और कनाडा के उत्तरी भागों में रहते हैं, ये लोग क्या करते हैं, तो बर्फ के बने हुए घरों में रहते हैं, और बर्फ के बने हुए घरों में जो रहते हैं, बेसिकली इनकी बर्फ के की जो दीवारें होती है वो दोहरी दीवारें होती है, एक दीवार दो दीवार, और ये जो बर्फ की दोहरी दीवारें होती है ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि बर्फ वैसे भी ऊष्मा का कुचालक होता है, तो टेम्परेचर एक नियत बनाए रखता है। तो इसलिए जब हम मोटे दीवार का निर्माण करते हैं तो हमें इस तरीके का बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए आप देखते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके का जब लोग सेटलमेंट बनाते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि छत कैसा होना चाहिए, अगर जल जमाव वाला वाटर लॉक रीजन है तो वो कैसा होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा, ये सेटलमेंट का कुछ टाइप्स है। जैसे आप देख रहे हैं न्यूक्लियर जो सेटलमेंट होता है, जिसको हम लोग सघन बस्ती कहते हैं, ये देखने में कुछ इस तरीके से होते हैं, और जो डिस्पर्सेड सेटलमेंट होता है, प्रकीर्ण बस्तियां होती है जिसमें घर बिखरे होते हैं, एक दो घर मिलते हैं, वो कुछ इस तरीके से होते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये जो पहाड़ी ढाल है, पर्वतीय क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में इस प्रकार के सेटलमेंट मिलते हैं। लेकिन जो सघन बस्तियां होती है ये बेसिकली कहां पर मिलेगा, तो जो मैदानी क्षेत्र होता है, समतल मैदान का क्षेत्र होता है, वहां पर ये बस्तियां हमें मिलती है। तो यहां तक सभी का क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं, इसमें कुछ वैसे खास था नहीं, लेकिन यहां तक बस्ती क्या है, बस्ती के प्रकार, ग्रामीण सेटलमेंट क्या होता है, शहरी सेटलमेंट क्या होता है, किस प्रकार के सेटलमेंट कहां पर पाए जाते हैं,
अगर इससे संबंधित चीजों में कुछ आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि सेटलमेंट, वैसे आगे के क्लास में जाएंगे तो आपको चार प्रकार का मिलेगा, यहां हमने दो प्रकार के सेटलमेंट के बारे में जिक्र किया है। नेक्स्ट हो जाएगा परिवहन के साधन। तो जब हम लोग परिवहन के साधन के बारे में जिक्र करते हैं तो हालांकि परिवहन के चार प्रमुख साधन होते हैं, जैसे यहां पर लिखा हुआ है परिवहन का चार प्रमुख साधन, इसमें एक है सड़क मार्ग, रोड ट्रांसपोर्ट होता है, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। बड़े तौर पर आप देखेंगे तो एक पाइपलाइन परिवहन भी होता है, पाइपलाइन परिवहन। और पाइपलाइन परिवहन जो है इसकी डिमांड जो है काफी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि इसके माध्यम से चीजों को जल्दी पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली अभी जिस एनसीईआरटी का आप अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं उसमें चार प्रकार के परिवहन के साधनों का जिक्र किया गया है, जिसमें एक है सड़क मार्ग, दूसरा है रेल मार्ग, तीसरा है जल मार्ग और चौथा है वायु मार्ग। लेकिन जब आप और ऊपर के एनसीईआरटी में जाएंगे या अच्छे से एनसीईआरटी का, या हम लोग जब बहुत ही अच्छे से अध्ययन करते हैं तो हमें एक पाइपलाइन परिवहन के बारे में भी पढ़ना होता है। और पाइपलाइन परिवहन जो होता है, एक गैस और तेल पाइपलाइन परिवहन होता है, मेनली हमें इसी का अध्ययन करना होता है। जल परिवहन के लिए भी, जल को भी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए क्या होता है कि हमें पाइपलाइन परिवहन का हम यूज करते हैं। तो इसकी जिक्र अभी नहीं होगी, अभी चार जो नॉर्मल परिवहन के साधन होते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इन चारों परिवहन के साधन, ये चारों जो परिवहन के साधन है, बेसिकली सड़क मार्ग तो हम पहले से भी प्रयोग करते हैं, ये तीनों जो परिवहन के साधन है ये आधुनिक परिवहन के साधन माने जाते हैं। लेकिन इन आधुनिक परिवहन के साधनों के साथ साथ क्या है कि परिवहन के साधन के रूप में एक पशु साधन का भी प्रयोग किया जाता है। अब तो धीरे धीरे क्या है कि ये पशु साधन जो परिवहन के रूप में हम लोग यूज करते थे वो उठते जा रहा है। लेकिन आपको याद होगा कि आज से बहुत पहले, 20 साल पहले आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे या देखते थे तो वहां पर बैलगाड़ी आपको मिलता था, जिससे बड़े तौर पर परिवहन के कार्य किए जाते थे। तो पशु साधन जो है इसका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, तो सामान ढोने के लिए, जैसे बैलगाड़ी होता है या नॉर्मल वैसे भी जो होता है पशु का यूज हम लोग इस रूप में करते हैं। दूसरा, आवागमन के लिए, पहले बैलगाड़ी का यूज क्या होता था, एक गांव से दूसरे जगह, एक गांव से दूसरे गांव या गांव से शहर जाने के लिए। ग्रामीण उत्पाद जो होता था वो ग्रामीण जो बाजार केंद्र होते थे वहां पर पहुंचाने के लिए इन्हीं परिवहन के साधनों का यूज किया जाता था। नॉर्मली आप देखते होंगे कि जब ग्रामीण क्षेत्र से आप कहीं पर जाते थे तो आज ना आपके पास हर एक प्रकार का साधन हो चुका है, लेकिन आज से 20-25 साल पहले क्या था कि इसी प्रकार के साधन ग्रामीण क्षेत्रों में मूल रूप से प्रयोग होते थे। भारत में अभी भी गधे, खच्चर, बैल, ऊंट का उपयोग होता है परिवहन के रूप में, हम लोग करते ही हैं। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में लामा का प्रयोग इसी के लिए किया जाता है जैसे, और तिब्बत में याक का भी प्रयोग इसी प्रकार से किया जाता है। ये ऐसे पशु हैं, जैसे अपने यहां देखते होंगे कि वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए जब आप जाएंगे या वहां जब आप जाएंगे तो पर्वत पर आपको ऊपर ले जाने के लिए वहां पर वो लोग गधे, खच्चर सब का प्रयोग करते हैं। तो इस रूप में भी आज भी इसका यूज होता है, दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में जाने के लिए कुछ कुछ इस तरीके के साधन का प्रयोग किए जाते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ इस तरीके के पशु का प्रयोग किया जाता है, वैसे एंडीज पर्वतीय क्षेत्र में अधिक ऊंचाई पर जाने के लिए क्या करते हैं, लामा का यूज करते हैं। तिब्बत में हम लोग याक का यूज करते हैं। नेक्स्ट है परिवहन के साधन, जिसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, सड़क परिवहन। तो सड़क परिवहन की विशेषता क्या है ये थोड़ा सा इसमें दिया हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। कम दूरी के यातायात में सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाने वाले होते हैं ये। नॉर्मली सड़क परिवहन सबसे अधिक यूज होता है, जब आप बड़े तौर पर पढ़ते हैं
तो आपको पता होगा कि भारत में निर्माण और रखरखाव के दृष्टिकोण से सड़क मार्ग को 5 वर्गों में रखा गया है। हमारे यहां निर्माण और रखरखाव के दृष्टिकोण से सड़क मार्ग को 5 वर्गों में रखा गया है। उसमें पहला जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय महामार्ग कहते हैं या एनएच के नाम से जाना जाता है, नेशनल हाईवे। दूसरा जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, राज्य महामार्ग है, स्टेट हाईवे कहते हैं। तीसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं जिला सड़क, डिस्ट्रिक्ट रोड कहते हैं। चौथा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्रामीण सड़क, जो ग्रामीण सड़क होता है। और पांचवा जो हमारे यहां है उसको हम लोग कहते हैं सीमावर्ती सड़क, जो बॉर्डर रोड होता है वो सीमावर्ती सड़क। तो हमारे यहां निर्माण और रखरखाव के दृष्टिकोण से सड़क परिवहन को क्या किया गया है, 5 वर्गों में रखा गया है। उसमें एक है राष्ट्रीय महामार्ग, दूसरा है राज्य महामार्ग, तीसरा है जिला सड़क, चौथा है ग्रामीण सड़क और पांचवा है सीमावर्ती सड़क। इसमें जो राष्ट्रीय महामार्ग है और जो सीमावर्ती सड़कें हैं, इन दोनों के निर्माण और रखरखाव की जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार के ऊपर होती है। और जो राज्य महामार्ग है, जो जिला सड़क है और जो ग्रामीण सड़क है, संवैधानिक दृष्टिकोण से इन तीनों के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर है। लेकिन जो ग्रामीण सड़क है इसके ऊपर सरकार अभी भी फोकस करती है। सबसे पहले सातवीं पंचवर्षीय योजना में आप देखे होंगे कि जवाहर रोजगार योजना चलाया गया था और उसमें ग्रामीण क्षेत्र में कच्ची सड़कों के निर्माण पर फोकस किया गया था। आज भी आप देखते होंगे कि एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है अपने यहाँ। तो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, पहले चरण में ये पूरी तरीके से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था, अब केंद्र और राज्य के वित्तीय सहयोग से ये चलाए जा रहे हैं। तो ग्रामीण सड़कों के निर्माण और रखरखाव पर अभी भी केंद्र सरकार का वित्तीय और बजटीय एलोकेशन होता है, आवंटन होता है, ये ध्यान में रखेंगे। तो ये जो है सो 5 प्रकार का है। तो इसमें जो सड़क परिवहन है, टोटल सड़क परिवहन जो होता है, बेसिकली कम दूरी का प्रयोग, जैसे कि हमें अपने घर से बाजार जाना हो, कहीं रिलेशन में जाना हो, तो नॉर्मली हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सड़क परिवहन का। जब हमें लंबी दूरी तय करनी हो, एक शहर से दूसरे शहर जाना हो, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, या तो रेल परिवहन का यूज करते हैं या फिर वायु परिवहन का यूज करते हैं। लेकिन यदि अपने स्टेट के अंदर आपको कहीं यात्रा करना हो, या अपने स्टेट से अभी यदि अपने आसपास के क्षेत्रों में यात्रा करना हो, तो आप किसका प्रयोग करते हैं, सड़क परिवहन का। तो परिवहन के रूप में ये कम दूरी में प्रयोग, तो इसका रीजन ये है कि सड़क परिवहन में टाइम फ्लेक्सिबल है, आप कभी इसका यूज कर सकते हैं, आपके लिए हमेशा बस या अन्य चीजें उपलब्ध होती है। रेल परिवहन और सड़क पर वायु परिवहन में टाइम फ्लेक्सिबल नहीं है, एक निर्धारित समय पर वो चलेंगी और उसी टाइम पर आपको जाना है, तो ये ध्यान में रखेंगे। सड़कें कच्ची एवं पक्की हो सकती है, ये आप जानते हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछा होता है, जबकि ऊंचे मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्रों में कम घने होते हैं। और इसका रीजन ये है कि चूंकि मैदानी क्षेत्र जो होते हैं, तो वहां पर सड़कों का निर्माण करना क्या होता है, काफी आसान होता है। इसलिए उत्तर भारत में आप देखेंगे कि जो पंजाब है, हरियाणा है, एनसीआर है, यूपी बिहार है, इन सब क्षेत्रों में सड़क का निर्माण आसान है, क्योंकि प्लेन सरफेस है, यहाँ पर सड़क रेल सब कुछ का निर्माण आसान है। लेकिन यदि मरुस्थलीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहां पर सड़क का घनत्व कम होता है, क्योंकि सड़कों के निर्माण रख रखाव मरम्मत में कठिनाइयां आती है। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग में से एक है, ये किसी छोटे एग्जाम में भी पीटी में आ सकता है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग या सब वे कहते हैं। फ्लाई ओवर आप जानते हैं कि उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। भूमिगत सड़क या जो सब वे होता है, अंडरग्राउंड पास शब्द हम लोग इसके लिए यूज करते हैं, और जो फ्लाई ओवर होता है उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं, क्रॉसिंग वाले क्षेत्रों में नॉर्मली इस तरीके से बनाया जाता है। बस इतना ही दिया हुआ है, थोड़ा सा आपको ये याद रखना है कि हमारे यहाँ ये 5 प्रकार की सड़कें होती है। इसमें कुल सड़क मार्ग का सबसे जो अधिक भाग है वो ग्रामीण सड़क का होगा,
राष्ट्रीय महामार्ग जो है सो कुल सड़क का केवल 2% से कुछ अधिक है, लेकिन यात्री परिवहन में इसका जो है बहुत बड़ा योगदान है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा रेल मार्ग। तो रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन, भारी सामान ढोने के कार्य किए जाते हैं। अब रेल परिवहन आप भी जानते हैं कि परिवहन का ऐसा साधन है जिसका हम यूज किसके लिए करते हैं कि जब हमें लंबी दूरी की यात्रा करनी हो, तो जैसे मैंने क्या कहा कि हम या तो वायु परिवहन का यूज करेंगे या फिर हम किसका यूज करेंगे, रेल परिवहन का। दूसरा, ये परिवहन का ऐसा साधन है जो हमें तीव्रता से एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाती है। तीसरी, इसकी विशेषता क्या है कि सड़क परिवहन की यदि विशेषताएं हैं तो उसका लिमिटेशन भी है। सड़क परिवहन में हम एक साथ बहुत सामान, भारी सामान ढोकर नहीं ले जा सकते, लेकिन रेल परिवहन में क्या है कि हम एक साथ भारी सामान बड़ी मात्रा में ढोकर या परिवहन करके ले जा सकते हैं। तो रेल, सभी परिवहन के अपनी अपनी विशेषताएं हैं और अपनी अपनी क्या है, सीमाएं हैं। सड़क परिवहन की यदि कुछ विशेषता है तो उसका कुछ लिमिटेशन भी है। सड़क परिवहन के ऊपर रख रखाव में खर्च अधिक होता है, उसका टाइम फ्लेक्सिबल है, डोर टू डोर फैसिलिटी प्रदान करता है, लेकिन उसमें हम भारी सामान एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते। रेल परिवहन में क्या है कि टाइम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये एक निर्धारित समय पर जाएगा, उसी टाइम पर आपको जाना है। लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि तीव्रतम परिवहन का साधन है ये। दूसरा क्या है कि भारी सामान और अधिक मात्रा में इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। वाष्प इंजन की खोज आपको पता ही होगा और औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के विकास में सहायता प्रदान की थी। जाहिर सी बात है कि औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हुआ कि कारखाना प्रणाली का विकास हुआ, और कारखाना प्रणाली का विकास होने के कारण क्या हुआ कि औद्योगिक केंद्रों का विकास हुआ। अब उद्योग को बड़े मात्रा में कच्चे माल की जरूरत, और उस कच्चे माल से जो तैयार माल होगा उसको बाजार तक पहुंचाने की जरूरत, तो इन आवश्यकताओं ने रेल परिवहन के विकास में सहायता पहुंचाई थी। आज भी आप देखते होंगे कि रेल परिवहन इन आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, कच्चे माल को औद्योगिक केंद्र तक पहुंचाते हैं और औद्योगिक उत्पाद को बाजार तक पहुंचाते हैं। तो जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी तो उस समय इससे बड़ा बेनिफिट मिला था, और इसीलिए आप पढ़ते हैं कि जब इतिहास में पढ़ते हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम ब्रिटेन में ही क्यों हुई थी, तो उसका एक उत्तर यह भी आता है कि ब्रिटेन में उस समय परिवहन क्रांति हो रहे थे। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जो नहर परिवहन होता है, हर एक क्षेत्र में वहां पर क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे थे और इसलिए ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई थी। भारतीय रेल मार्ग एशिया का सबसे बड़ा रेल परिवहन प्रणाली है, इसको याद रखेंगे। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये कहां पर पाया जाता है, रूस में। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग को प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है। तो हमारा जो रेल नेटवर्क है वो क्या है कि बेसिकली एशिया में सबसे लॉन्गेस्ट रेल परिवहन है, और जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है आपने इसको देख लिया है, इसको आप मैप पर देख लीजिए। ये है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का, ये यहां पर जब आप डायरेक्शन निकालोगे तो यहां पर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ये सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होता है, या आप वहां से भी ले सकते हो सेंट पीटर्सबर्ग। मॉस्को भी इस रेल परिवहन पर है, कजान है, फिर है यकतरीनबर्ग कहते हैं इसको, ठीक ना, यकतरीनबर्ग है, फिर है नोवोसिबिर्स्क है, फिर जो है इरकुत्स्क है, फिर जो है इसमें आप देख रहे हैं खारगोस्क है और व्लादिवोस्टोक है। ये सभी क्या है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर अवस्थित है। ये व्लादिवोस्टोक जो है प्रशांत के तट पर है और यहां पर ये सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचती है। संसार की सबसे सिंगल रूट वाली जो है सबसे लंबी। तो यहां पर पीटी में एक प्रश्न ये हो सकता है स्टेट पीसीएस के हिसाब से कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर कौन कौन सा शहर या औद्योगिक केंद्र बसा हुआ है, तो
तो आप इसको याद रखेंगे, सेंट पीटर्सबर्ग है, मास्को है, कजान है, यकतरीनबर्ग है, लोबो सिवरिस्क है, इरकुस्क है, व्लादिवोस्टक है, हर एक का नाम याद रखना है। स्टेट पीसीएस में इस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं कि कहां पर इस पर कौन कौन सा औद्योगिक केंद्र या शहर बसा हुआ है, तो ये याद रखना, ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का पार्ट है। नेक्स्ट है जलमार्ग। तो जलमार्ग जो होता है ये दो प्रकार का है, एक अंतरदेशीय जलमार्ग और दूसरा क्या होता है, समुद्री जलमार्ग। अंतरदेशीय जलमार्ग का अर्थ है कि जो मेन लैंड के अंदर है, कहां पर है, मेन लैंड के अंदर है। तो जो मेन लैंड के अंदर होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक या अंतरदेशीय जलमार्ग कहते हैं। मेन लैंड के अंदर होने का अर्थ है कि जो हमारे देश की मुख्य भूमि होती है उस मुख्य भूमि के यदि अंदर है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक जलमार्ग कहते हैं। जैसे आप समझने के लिए यहां पर आ जाओ, इस मैप के थ्रू आप समझें। तो ऐसा जलमार्ग जो मुख्य भूमि के अंदर पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक जलमार्ग कहते हैं या अंतरदेशीय जलमार्ग कहते हैं। और जो अंतरदेशीय जलमार्ग होते हैं इन्हें हम नॉर्मली प्राकृतिक पथ भी कहते हैं, क्योंकि इसके निर्माण में प्रकृति की प्रमुख भूमिका होती है। तो अंतरदेशीय जलमार्ग जो होता है ये क्या हो जाएगा, जो मुख्य भूमि के अंदर पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतरदेशीय जलमार्ग। यानी कि हमारे देश के मेनलैंड के अंदर जो पाया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अंतरदेशीय जलमार्ग कहते हैं। इस अंतरदेशीय जलमार्ग के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो एक नदी मार्ग आ जाएगा। यदि किसी नदी का हम यूज करते हैं परिवहन के रूप में, वो इसमें नहर शामिल है। ऐसा कोई नहर जिसका हम परिवहन के रूप में यूज करते हैं, जल परिवहन के रूप में, तो वो आ जाएगा। इसके अंतर्गत कुछ झील भी आ जाएगा। अगर कुछ ऐसा झील है जिसका परिवहन के रूप में यूज किया जाता है तो वो आ जाएगा। तो आंतरिक जलमार्ग के अंतर्गत या अंतरदेशीय जलमार्ग के अंतर्गत क्या होता है कि नदी मार्ग, नहर मार्ग और झील जलमार्ग को शामिल किया जाता है। हम इन्हें प्राकृतिक मार्ग भी कहते हैं। हम इन्हें प्राकृतिक मार्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके निर्माण में प्रकृति की मुख्य भूमिका होती है। हालांकि नहर हमारे द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा कंस्ट्रक्ट होता है, लेकिन ऑल ओवर जो नदी और झील जल मार्ग है वो प्रकृति के द्वारा। अब ये जो अंतरदेशीय जल मार्ग होते हैं, जैसे भारत में आप देखोगे तो भारत में अभी 6 जल मार्ग है, हमारे यहाँ 6 अंतरदेशीय जल मार्ग है। और हमारे यहाँ जो 6 अंतरदेशीय जल मार्ग है, सभी को पता होगा कि इसमें एक अंतरदेशीय जल मार्ग जो है गंगा नदी पर है, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल वाटरवे 1 कहते हैं। और जो नेशनल वाटरवे 1 है वो गंगा नदी पर कहां पर है, तो प्रयागराज से जो हल्दिया है पश्चिम बंगाल में वहां तक है, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा जो हमारे यहाँ जलमार्ग हो जाएगा वो किस पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी तक का जो एरिया है वो नदी जलमार्ग संख्या 2 के रूप में है। तीसरा जो जलमार्ग है वो केरल के तट के सहारे है, और ये जो केरल के तट के सहारे है ये इसमें कोल्लम से कोट्टापुरम तक है। कहां तक है, तो कोल्लम से कोट्टापुरम तक इसमें आता है। और केरल के तट के सहारे जो जलमार्ग है इसमें कुछ नहर शामिल है, कुछ झील शामिल है, जैसे उद्योग मंडल है, चंपक कारा नहर है, ये सब यहां पर शामिल है। नदी जलमार्ग संख्या 4 जो है ना, ये गोदावरी कृष्णा नदी से होते हुए है, यानी कि आंध्र प्रदेश से लेके पांडिचेरी तक है। काकीनाडा से मरक्कानम और मरक्कानम से पांडिचेरी तक इसका विस्तार हो गया है। तो नदी जलमार्ग संख्या 4 जो हो जाएगा इसका विस्तार है आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, पांडिचेरी में, और कृष्णा नदी के माध्यम से ये कर्नाटक में भी इसका विस्तार है। तो 4 राज्यों में नदी जलमार्ग संख्या 4 का विस्तार है। कहां कहां पर, तो आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी और
कृष्णा नदी के माध्यम से कर्नाटका तक इसका विस्तार है। कई बार राज्य भी पूछेगा, नदी में गोदावरी और कृष्णा दोनों नदी हो जाएगा। नदी जल मार्ग संख्या 5 जो है ये कहां पर है, उड़ीसा में है। ये 5 वाला हो जाएगा उड़ीसा में। ये तलचर से धामरा तक है, तलचर से धामरा बंदरगाह है वहां तक है। और नदी जल मार्ग संख्या 6 है असम में, बराक नदी पर है। ये बराक नदी पर है नदी जल मार्ग संख्या 6, सबसे नवीन है, सबसे छोटी जलमार्ग है जो 121 किलोमीटर लंबी है। और आगे आपको बताएंगे कि भारत सरकार के द्वारा आंतरिक जलमार्ग के विकास की नीति अपनाई गई है। अभी जो हमारे यहाँ 6 आंतरिक जलमार्ग हैं और आगे 105 नए जलमार्ग बनाने का सरकार का प्रस्ताव है। यदि ये सभी बनते तो हमारे यहाँ कुछ 111 आंतरिक जलमार्ग हो जाएंगे। तो जलमार्ग जो दो प्रकार का होता है उसमें एक होता है इनलैंड वाटरवे और दूसरा होता है महासागरीय जलमार्ग। इनलैंड वाटरवे में कौन कौन आता है, नदी मार्ग, नहर मार्ग, झील मार्ग। हमारे यहाँ 6 जलमार्ग है, 6 का नाम बताया डायग्राम पर आपने देखा, इसको याद रखना है। हो सकता है आने वाले किसी स्टेट पीसीएस में इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाए, ये ध्यान में रखेंगे। अब है समुद्र जल मार्ग। इस मार्ग का उपयोग सामान्यतः किस लिए करते हैं, तो व्यापारिक माल और सामान को एक देश से दूसरे देश पहुंचाने के लिए किया जाता है। यह मार्ग जो है बंदरगाहों से जुड़ा होता है। बेसिकली बंदरगाह जो होता है ना, इसको ब्रेक ऑफ बल्क नगर की संज्ञा दी जाती है। बंदरगाह को क्या कहते हैं, ब्रेक ऑफ बल्क नगर। ब्रेक ऑफ बल्क नगर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर भारी सामान बड़ी मात्रा में उतारे भी जाते हैं और भारी सामान बड़ी मात्रा में चढ़ाए भी जाते हैं, इसलिए बंदरगाहों को ब्रेक ऑफ बल्क नगर कहा जाता है। और ये जो समुद्री जल मार्ग होते हैं बेसिकली यात्री परिवहन के रूप में भी यूज होता है, साथ साथ व्यापारिक परिवहन के रूप में यूज होता है। भारत का जो कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है उसका लगभग 95% से अधिक भाग जो है किससे होता है, समुद्री मार्ग से ही होता है। और जाहिर सी बात है कि समुद्र मार्ग से यदि कोई व्यापार होगा तो उसमें सर्वाधिक भूमिका किसकी होगी, सर्वाधिक भूमिका होगी बंदरगाहों की, क्योंकि वहीं पर आप सामान जहाज पर चढ़ाएंगे और वहीं पर सामान आप जहाज से उतारेंगे भी, तो बंदरगाहों की प्रमुख भूमिका होती है। तो कुछ जो विश्व के महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जैसे एशिया में सिंगापुर और अपने देश में मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क हो जाएगा यानी यूएसए में, और लॉस एंजल्स हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में खासकर ब्राजील में रियो डी जेनेरो हो जाएगा। ये वैसे विश्व के कई सारे फेमस बंदरगाह है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एशिया में सिंगापुर और हमारे यहां मुंबई, उत्तर अमेरिका में खासकर यूएसए में न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स है, और दक्षिण अमेरिका में जो रियो डी जेनेरो है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा और जो बंदरगाह है, जैसे दक्षिण अफ्रीका जो देश है वहां पर डरबन, केप टाउन, ईस्ट लंदन हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के फेमस बंदरगाह में सिडनी, यूरोप के फेमस बंदरगाह में लंदन और रॉटरडम जिसको यूरोपोर्ट भी कहते हैं, लिस्बन, ये कहां पर है, तो ये पुर्तगाल में अवस्थित है, पुर्तगाल का लिस्बन बंदरगाह है। केप टाउन और डरबन ये दोनों कहां पर बंदरगाह है, तो केप टाउन और डरबन जो है ये दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह है। लंदन ब्रिटेन, रॉटरडम यूरोपोर्ट ये नीदरलैंड। तंजानिया जो अफ्रीका का देश है वहां का एक फेमस बंदरगाह है दार ए सलाम या दार ए सलाम कहते हैं, और केनिया का एक फेमस बंदरगाह है जिसको कहते हैं मोम्बासा। तो ये यूपी पीसीएस में इस तरीके के प्रश्न आते हैं बंदरगाहों को मैच करने के लिए, तो ये याद रखेंगे। अभी जो हम लोगों ने बंदरगाह का जिक्र किया है उसमें कौन कौन सा जिक्र किया है एक बार फिर से आप इसको सुन लीजिए। इसमें एक है एशिया का सिंगापुर और अपने यहां का मुंबई है, यूएसए में न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स का, दक्षिण अमेरिका तो इसमें रियो डी जेनेरो दिया हुआ, रियो डी जेनेरो कहां पर है, ब्राजील में है। इसके अलावा और कौन कौन से बंदरगाह,
तो दक्षिण अफ्रीका में डरबन और केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी, ब्रिटेन का लंदन, फिर यूरोपोर्ट जो यूरोप का रोटरडम है, पुर्तगाल का लिस्बन, तंजानिया का दारेसलम और केनिया का जो मोम्बासा बंदरगाह है, ये विश्व के फेमस बंदरगाह माने जाते हैं। क्लियर है यहां तक सभी का? यहां तक यदि कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है सभी का? कोई डाउट कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर वायु परिवहन। देखो बंदरगाह जो आपने लिखा है ना, ये सुमंत की सर इंडिया का सबसे बड़ा बंदरगाह। बंदरगाह एक होता है बड़े बंदरगाह, आप किस हिसाब से जानना चाहते हैं? ठीक है, ये जो बड़े बंदरगाह होते हैं, सामान कहां पर कितना उतारा जाता है और कितना जाता है, ये हर एक बार डाटा चेंज होते रहता है। कभी इसमें आपको मुंबई मिलेगा तो कभी आपको इसमें कांडला मिलेगा, कभी आपको चेन्नई मिलेगा, क्योंकि ये जो परिवहन मंत्रालय का डाटा, वाणिज्य मंत्रालय का, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये फिक्स नहीं होते। हाँ, ये आप पूछ सकते हैं कि प्राकृतिक पोर्ट कौन है बड़ा, और आर्टिफिशियल जो कृत्रिम बंदरगाह बड़ा है वो कौन है। वैसे आप प्राकृतिक बंदरगाह बड़ा देखेंगे तो मुंबई हो जाएगा, और जो कृत्रिम बंदरगाह बड़ा देखेंगे तो वो चेन्नई हो जाएगा। लेकिन भार के हिसाब से, यानी कि व्यापार वाणिज्य कहां से अधिक होता है और कहां से कम होता है, ये डाटा चेंजेबल होते रहता है, ये आपको हमेशा अपडेट रहना होगा। लेकिन यदि प्राकृतिक बंदरगाह आप जानना चाह रहे हैं सबसे बड़ा कौन है, तो वो मुंबई हो जाएगा, और चेन्नई जो है सो सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है, वायु परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट। तो परिवहन का एकमात्र साधन जो सर्वाधिक दुर्गम और दुरूह स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेषकर जहां सड़क और रेल मार्ग की पहुंच नहीं हो सकती है। वायु परिवहन परिवहन का एक ऐसा साधन है जहां पर, जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, कोई दुर्गम इलाका है, तो वहां भी आप इससे जा सकते हैं, लेकिन वहां पर रेल परिवहन की एक फैसिलिटी नहीं होती है, सड़क परिवहन का निर्माण करना भी वहां पर कठिन होता है। तो इसलिए वायु परिवहन परिवहन के आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हर एक परिवहन की अपनी सीमाएं होती है और अपनी विशेषताएं होती है। उड़ीसा का अंतरदेशीय जलमार्ग जो है उसका विस्तार हो गया है, पहले वो तलचर से धमरा बंदरगाह, उड़ीसा में जो है ना वो कहां पर है, आप इस तरीके से लिखिए, तलचर या तलेचर से धमरा, तलेचर से धमरा, और धमरा से पश्चिम बंगाल के ये गियोन खली तक पहुंच गया है। गियोन खली, पश्चिम बंगाल के गियोन खली, इसमें तलचर से जो धमरा है ये नदी जलमार्ग है, और धमरा से जो गियोन खली है ये नहर जलमार्ग है, ये ध्यान में रखेंगे। तो पश्चिम बंगाल के गियोन खली तक इसका विस्तार हो चुका है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 20वीं सदी के अंत में विकसित यह परिवहन का सबसे फास्ट साधन है। कहने को विश्व के जो कुछ प्रमुख हवाई पत्तन है वो कौन कौन है, तो अपने यहां दिल्ली इंदिरा गांधी और मुंबई छत्रपति शिवाजी, अमेरिका में जो न्यूयॉर्क है, ब्रिटेन में लंदन एयरपोर्ट, फ्रांस में पेरिस, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट, मिस्र में काहिरा, ये है। अब है तो कुछ जो विश्व के प्रमुख एयरपोर्ट्स हैं, हालांकि और बहुत सारे हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी साथ में दी हुई है, अपने यहां का दो, दिल्ली और मुंबई, अमेरिका में न्यूयॉर्क हो जाएगा, ब्रिटेन में लंदन, फ्रांस का पेरिस, ये तो सब आप जानते होंगे, फ्रैंकफर्ट याद रखेंगे, जर्मनी का, और मिस्र में काहिरा हो जाएगा। अब है कि संसार और बृहद विश्व समाज का निर्माण, ये जो बृहद विश्व समाज है इसको आप समझेंगे कि ये एक ग्लोबल विलेज की बात कर रहा है, ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है। ठीक ना,
और ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है, तो इसका अर्थ है कि एक हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं एक वैश्विक गांव या वैश्विक समाज का निर्माण, एक वैश्विक गांव। और जब हम वैश्विक गांव की बात करते हैं, ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, तो ये हमें किधर की ओर ले जाता है, वैश्वीकरण की अवधारणा है, ये एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन की ये अवधारणा है। तो ये जो सेगमेंट है इसमें हमें ये जानना है, इसी टॉपिक से है, नहीं हवाई जहाज के भी रूट होते हैं, उसके रूट निर्धारित करने होते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। हवाई जहाज के भी रूट होते हैं, हर एक चीज देखना होता है, तो हवाई जहाज का एक फिक्स रूट होता है, फिक्स रूट होता है, उसको बनाना नहीं पड़ता है, लेकिन एक निर्धारित करना पड़ता है कि इस रूट से हमें जाएंगे तो हमें क्या क्या कठिनाइयां हो सकती है, और किस रूट से जाएंगे तो हम आसानी से जा सकते, उसका एक रूट होता है। तो संचार साधन क्या है, यानी कि कम्युनिकेशन साधन क्या है, तो दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया और उसमें प्रयुक्त उपकरण जो है वो क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन, और उसका टूल्स है। यानी कि जैसे हम आपसे अभी दूर दिल्ली से मुखर्जी नगर से आपसे बात कर रहे हैं, तो और आप हमारी बातों को सुन रहे हैं और आप देख रहे हैं, तो ये जो है एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। और ये जो कम्युनिकेशन का माध्यम है ऐसा संभव क्यों हो पा रहा है, क्योंकि आज सूचना क्रांति, इंटरनेट मीडिया इतनी तेजी से उभर गई है कि हम आप इस तरीके से जुड़े हुए हैं। इसको बेसिकली एक ई एजुकेशन का तरीका कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन का एक तरीका भी हम लोग कहते हैं। तो दूसरों के पास तक, जैसे हम अभी अपनी जो बातें हैं, जो एनसीईआरटी की बातें हैं, उससे कुछ जो रिलेटेड बातें वो आप तक पहुंचा रहे हैं, तो ये जो प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में जो उपकरण यूज हो रहा है, बहुत सारा उपकरण इसमें यूज हो रहा होगा, इंटरनेट का यूज हो रहा है, कैमरा का यूज हो रहा है, आप भी वहां पर मोबाइल फोन इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो ये सारा जो टूल्स है जो इस प्रक्रिया को संभव बना रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, संचार के साधन कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संसार के विभिन्न भाग में संसाधनों का उपयोग होता है, जैसे समाचार पत्र का एजुकेशन के लिए, सूचना के लिए रेडियो का, टेलीविजन का, सैटेलाइट का, ये सभी क्या है, जनसंपर्क के माध्यम है। जनसंपर्क का क्या अर्थ होता है कि पब्लिक, एक से एक पब्लिक से दूसरे पब्लिक से जुड़ने का तरीका। तो हम आप जिस माध्यम से अभी जुड़े हुए हैं, ये बेसिकली क्या है कि एक जनसंपर्क का तरीका है। समाचार पत्र हम पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं, टेलीविजन और जो सैटेलाइट, ये सारे क्या है, जनसंपर्क के तरीके हैं, जिनके माध्यम से हम अपनी बातों को दूर तक पहुंचाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, और आप भी जो मैसेज लिख रहे हैं वो मैसेज हम तक आ रहा है, ये आपको ध्यान में रखना। लेकिन ऐसा संभव क्यों हुआ है, बेसिकली संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। ये तो आप जानते हैं कि इंटरनेट मीडिया और अन्य चीजों के विकास से क्या हुआ है कि विश्व एक ग्लोबल विलेज की ओर जो जा रहा है, उसमें संचार के साधनों का बहुत बड़ा योगदान है। आप घर बैठे अमेरिका की चीजों को जान लेते हैं, विश्व में कहीं कुछ घटनाएं हुई है तो बेसिकली आप क्या है कि घर बैठे सब कुछ को जान लेते हैं। ये किसके कारण संभव हुआ है, तो सूचना क्रांति जो बड़े पैमाने पर फैला है, इंटरनेट, उसकी भूमिका है। सैटेलाइट जो संचार का एक अत्यधिक तीव्रतम साधन है, इसका उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, तो तेल की खोज में, वनों के सर्वेक्षण में, भूमिगत जल का पता लगाने, खनिज संपदा का अनुमान लगाने, मौसम का पूर्वानुमान और आपदा पूर्व चेतावनी। इतना ही नहीं बल्कि नगर नियोजन का जो क्षेत्र होता है उसमें भी हम इसका यूज करते हैं, बहुत सारा यूज होता है। इसको आप सिंपली क्या समझेंगे कि यदि आप साइंस एंड टेक पढ़ते हैं तो हमारे यहां एक IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग कहते हैं, ये एक आप पढ़ते होंगे कि इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रणाली जो है, जिसको सुदूर संवेदन प्रणाली कहते हैं, वो क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है इसरो का, जिसके द्वारा ये सारे चीजों का वो पता लगाते हैं। तेल की खोज में,
जियो थर्मल मैपिंग होती है सैटेलाइट के माध्यम से, उससे हमें पता चलता है। वनों का सर्वेक्षण की हमारे पास वन संसाधन कितना, आप देखते हैं कि जब वन रिपोर्ट आता है उसमें दोनों तरीके का होता है। जो 2021 का वन रिपोर्ट है आप उसको पढ़ेंगे तो जो सैटेलाइट से सर्वे किया होता है वो रिपोर्ट उसमें आता है। फिर भूमिगत जल का पता लगाने, खनिज संपदा का, मौसम पूर्वानुमान, आपदा पूर्व चेतावनी। आप देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन उत्पन्न होता है और जैसे ही साइक्लोन उत्पन्न होता है तो मौसम विभाग के द्वारा ब्रॉडकास्ट किया जाता है कि ये साइक्लोन कहां पर पहले लैंडफॉल करेगा, किन किन राज्यों को प्रभावित कर सकता है, पवन की गति इसमें कितना होगी, सारी चीजें बताई जाती है पहले से ही। ऐसा क्यों संभव हो पाया है, क्योंकि सैटेलाइट के माध्यम से जब थर्मल इमेजिंग होती है पार्थिव टच किए बिना, उसके कारण संभव हुआ है। शहरी नियोजन में इसका यूज होता है, तो विमान के लैंडिंग हर एक जगह पर इसका यूज होता है। ये एक यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं, मेंस में भी आपका ये काम आएगा, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। नेक्स्ट है इसी में कि आज इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेजा जा सकता है। आप भेजते होंगे अपने दोस्त को, मित्र को, और आपके दोस्त और मित्र भी आपको ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या करते होंगे, भेजते होंगे। सेल्युलर फोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। आप फोन यूज करते होंगे सेल्युलर फोन जिसमें बिना तार के भी यूज होते हैं। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में सूचना और परस्पर समीपता ही नहीं बल्कि इसने हमारे जीवन को अधिक सुखमय बना दिया, बिल्कुल सुखमय बना दिया है ना। कि यदि आपको आज रेल टिकट बुक करना हो, वायु परिवहन का टिकट बुक करना हो, बस का टिकट बुक करना है, कोई सामान खरीदना हो फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, कोई भी सामान खरीदना हो, आज क्या है कि आप इस इंटरनेट की सुविधा के कारण, सूचना क्रांति के कारण घर बैठे सब कुछ बुक कर सकते हैं और मंगा सकते हैं। बिल्कुल इस संचार क्रांति ने क्या किया, हमारे लाइफ स्टाइल को, जीवन को अधिक सुखमय बना दिया है। नहीं तो पहले क्या होता था, आपको रेल का टिकट लेना हो तो आप जाइए लाइन में लगिए, तत्काल लेना हो तो 10 बजे तत्काल टिकट कटती है, लेकिन उसके लिए आपको 4 बजे 5 बजे सुबह में जाके लाइन लग जाना होता था। आज कोई जरूरत नहीं, आज अपने मोबाइल में IRCTC का अकाउंट बनाइए और टिकट बुक कर लीजिए आप। तो निसंदेह इस सूचना क्रांति, इंटरनेट क्रांति ने हमारे लाइफ स्टाइल को आसान कर दिया है। संपूर्ण विश्व में लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। बृहद विश्व समाज यानी कि ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट आपको बताया, यानी कि हम एक ग्लोबल विलेज, ग्लोबल कम्युनिटी के रूप में तब्दील हो रहे हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के इस प्रक्रिया में आने में कई कारकों का योगदान है, लेकिन इसमें सर्व प्रमुख कारण किसका है, इस इंटरनेट क्रांति का है, संचार क्रांति का है। क्योंकि इसमें क्या है कि यदि अमेरिका में क्या हो रहा है, कहीं पर कुछ यूरोपीय देशों में क्या हो रही है, हर एक चीज हम आज घर बैठे सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जान लेते हैं। अमेरिका के में बैठे लोगों से हम चैट से बात कर लेते हैं। तो निसंदेह इसने क्या क्या है, लोगों के बीच के संपर्क को बढ़ावा दिया है। ना केवल लोग बल्कि जो सेवाओं की आपूर्ति है इसकी त्वरित कर दिया एक जगह से दूसरे जगह, और फिर ना केवल सेवा बल्कि जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के बीच से भी क्या है, उनके बीच के लगाव को, कनेक्टिविटी को बढ़ा दिया है। तो ये इस यही प्रक्रिया जो ग्लोबल समाज है, ग्लोबल विलेज की है, कि यदि अमेरिका के लोगों को भी भारत की कोई चीजें जाननी होती होगी, नेट पर जाते होंगे, सोशल मीडिया पर जाते होंगे, भारत की बातें को जान लेते होंगे। तो हम आज घर बैठे अमेरिका में रह रहे लोगों से चैट पर बात कर लेते हैं, ब्रिटेन में रह रहे अपने परिवार के लोगों से बात कर लेते हैं। यही क्या है, एक ग्लोबल कम्युनिटी के निर्माण की प्रक्रिया है। तो ये क्यों संभव हुआ है, तो सूचना क्रांति के कारण संभव हुआ है। और ग्लोबलाइजेशन का अर्थ होता है कि जब राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर एक विश्व का निर्माण हो,
जो प्राचीन भारतीय संस्कृति की अवधारणा में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है वो आज ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल विलेज के कॉन्सेप्ट से जुड़ता है। क्लियर है सभी का? कोई डाउट? क्लियर है सभी का? कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो। अब इसके बाद कुछ एमसीक्यू है आज के क्लास का, ये ग्लोबल विलेज जो आप जा रहे हैं। क्लियर है सभी का? कुछ एमसीक्यू है, चार पांच एमसीक्यू है इसी टॉपिक से। हिंदी माध्यम से इस बार अच्छे रिजल्ट हुए हैं, रैंक 18 भी हिंदी माध्यम का है, रैंक 22 भी हिंदी माध्यम का है, पिछले वर्ष के तुलना में अच्छे रहे हैं। तो आइए कुछ एमसीक्यू का प्रश्न है आप उसको कीजिए। और यहां पर पहला है प्रश्न है कि सैटेलाइट निम्नलिखित में से किसमें सहायक है? खनिज संपदा के आकलन में, मौसम पूर्वानुमान में, आपदा पूर्व चेतावनी, तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण। अभी आपको बता रहे थे इसके बारे में सैटेलाइट के, और यूपीएससी में इस तरीके का प्रश्न पूछा हुआ है। इसका आंसर कीजिए सबसे पहले सभी लोग, क्विक फास्ट फास्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सभी इसमें सही है, अभी हम लोगों ने जिक्र किया है, सभी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बंदरगाहों का युग्म सम्मिलित है, यानी एक तरफ देश दिया हुआ है, दूसरी तरफ जो है सो बंदरगाह, क्या वो सही है? दक्षिण अफ्रीका ईस्ट लंदन, तंजानिया दार एस सलाम, केनिया मुम्बासा, कनाडा सेंट जोन्स। तो एक तरफ देश और सामने में बंदरगाह है, उसको मैच करना है कि इसमें कौन सा सही है। क्विक फास्ट फास्ट, क्विक फास्ट फास्ट भी लोग बताइए। कुछ इसमें क्लास में चर्चा हुई है, कुछ नहीं हुई है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, सेंट जोन्स जो है ये कनाडा का ही बंदरगाह है, बेसिकली अटलांटिक कोस्टल, ये अटलांटिक का बंदरगाह है कनाडा का, अटलांटिक का। तो ये भी सही है, केनिया का मुम्बासा पर ही है, तंजानिया का दार एस सलाम, और दक्षिण अफ्रीका का जो ईस्ट लंदन है, ईस्ट लंदन सुन के आप ब्रिटेन मत चले जाइएगा, ये ईस्ट लंदन जो है ये यहीं पर है दक्षिण अफ्रीका में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही है, कनाडा का अटलांटिक तट का दो बंदरगाह है, एक सेंट जोन्स है और दूसरा जो है हैलीफैक्स है, ये भी याद रखेंगे। अटलांटिक तट पर कनाडा के दो फेमस बंदरगाह हैं, सेंट जोन्स और हैलीफैक्स। डी आंसर। नेक्स्ट है, विश्व को ग्लोबल विलेज में बदलने में सहायक है सूचना क्रांति, सोशल मीडिया, भूमंडलीय ऊष्मन, यानी कि विश्व को ग्लोबल विलेज बनाने में इसमें से कौन सहायक है, कौन सहायक है बताएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूमंडलीय ऊष्मन नहीं होगा, बल्कि पहला और दूसरा जो सोशल मीडिया है, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ये भी ग्लोबल विलेज बनाने में सहायक है, क्योंकि इसके माध्यम से हम जो विश्व के प्रमुख हस्तियां होती है उनकी बातों को जान लेते हैं। और उसमें सोशल मीडिया को सफल बनाने में सहायक कौन है? इंटरनेट मीडिया, सूचना क्रांति। तो पहला और दूसरा जो है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित हवाई अड्डों का युग्म सम्मिलित है, यानी कौन सा, क्या फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पाया जाता है, या काहिरा मिस्र में पाया जाता है, कैनेडी अमेरिका में पाया जाता है, कैंटन सिंगापुर में पाया जाता है। तो युग्म को सुमेलित करना है, क्विक फास्ट फास्ट। क्लियर है सभी को? तो इसका जो आंसर होगा क्या है कि देखो, ये जो कैंटन बंदरगाह है ये सिंगापुर में नहीं है, बल्कि कैंटन बंदरगाह जो है ये चीन का बंदरगाह है। तो चौथा गलत है, और जब आप एलिमिनेशन के प्रोसेस पे जाते हो तो देखो, चौथा इसमें है ये नहीं आंसर होगा, चौथा इसमें है ये नहीं आंसर होगा। बाकी जर्मनी में आप पर है फ्रैंकफर्ट, मिस्र में कायरा पर है, और अमेरिका में कैनेडी पत्तन है, ये सही है।
तो डी इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है। कैंटन बंदरगाह कहां पर है? चीन में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग क्षेत्र ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर अवस्थित है? कजान, यकतरीनबर्ग, शिकागो, ओमास्क। अभी आपको बता रहे थे किस तरीके के प्रश्न स्टेट पीसीएस में आते हैं और वो यहां पर भी आपको मिल रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर अवस्थित है ये आपको बताना है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, एलिमिनेशन के प्रोसेस को अपनाएंगे, बहुत जल्दी ये प्रश्न आपका बन जाएगा। डी लिखने से पहले एक बार सोचना सबको है, इसमें तो देखो इसमें क्या ना, शिकागो कहां पर है? शिकागो जो है ये यूएसए में है, तो शिकागो यदि यूएसए में है तो तीसरा गलत है, और तीसरा गलत है तो देखो इसमें 3 है ये नहीं आंसर होगा, इसमें 3 है ये नहीं आंसर होगा। डी ऑल कहने का अर्थ है कि इसमें भी 3 है ये नहीं आंसर होगा, पर शिकागो तो फेमस है, सभी जानते हैं अमेरिका में ये मांस उद्योग का बहुत बड़ा केंद्र है शिकागो यहाँ पे, तो तीसरा गलत है। तो एक ही के पर इलिमिनेशन के प्रोसेस से आ गया कि आपका आंसर ए होगा, 1, 2, 4 सही है। कजान, यकतरीनबर्ग और ओमास्क ये सभी ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर अवस्थित औद्योगिक केंद्र हैं। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, सभी को थैंक्स है, धन्यवाद है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं 2 मिनट में, नहीं तो गुड नाइट है सभी को। कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। चलिए ओके, थैंक यू सभी को, धन्यवाद है, गुड नाइट है। कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में एमसीक्यू के साथ।